आज हम लोग बनाएंगे खट्टी मीठी चटनी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनेगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करें। अभी बनाएंगे खट्टी मीठी चटनी, उसके लिए लेंगे इमली, साथ में लेंगे गुड़, दोनों को पानी डाल के भिगो के रखेंगे। एक गिलास पानी डालना है, आधे घंटे के लिए भिगोएंगे। यहाँ पे खजूर भी भिगो के रखेंगे हम लोग, उनके सीड निकाल लिए हैं, उसमें भी पानी डाल के हम लोग भिगो के रखेंगे आधे घंटे। इमली और गुड़ हमने भिगो के रखा था, उसे पैन में ले लेंगे, साथ में डालेंगे नमक, लाल मिर्च, जीरा, सौंफ, जीरा पाउडर और डालेंगे इसमें काला नमक, इससे काफी अच्छी टेस्ट आती है चटनी में। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। खजूर को भी आधा घंटा हो चुका है, अभी सॉफ्ट हो गई है, तो इसे भी हम लोग डालेंगे पैन में। मिक्स करके इसे बॉईल करेंगे हम लोग, 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। इसे बॉईल हो जाएगा तो गैस ऑफ करके इसे ठंडा करेंगे हम लोग, और इसे पीसना है हमें, या मिक्सी जार में पीसेंगे या ब्लेंडर का इस्तेमाल करेंगे इसे पीसने के लिए। मैं यहाँ पे ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। यह हमारी खट्टी मीठी चटनी तैयार हो गई है, इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये खट्टी मीठी चटनी आप किसी भी डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगी। एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।